नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर धावा बोल दिया और इसकी प्राचीर पर अपना एक झंडा भी फहरा दिया। इसके तुरंत बाद इंटरनेट पर झंडे को लेकर बहस शुरू हो गई। भारत के लिए इसे काला दिन बताते हुए कुछ ट्विटर और फेसबुक यूजर्स ने दावा किया कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। वहीं कुछ ने दावा किया कि भारतीय तिरंगे झंडे को हटाकर वहां पर किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। हालांकि इनमें से कई पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई। अब जब खबर तिरंगे से जुड़ी है तो ये जानना भी जरूरी है कि क्या प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया। जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो सच सामने आया। फैक्ट चेक में पता चला कि प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर जो झंडा फहराया है वो खालिस्तानी झंडा नहीं बल्कि सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब था। निशान साहिब में प्रतीक चिन्ह के रूप में खंडा यानी कि दो धारी तलवार होता है, जबकि खालिस्तानी झंडे पर खालिस्तान लिखा होता है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने लाल किले से भारतीय तिरंगे झंडे को नहीं हटाया। ज़्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने समाचार एजेंसी ANI के वीडियो को शेयर करते हुए ऐसे दावे किए कि तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। लेकिन जब इस वीडियो को देखा गया तो पाया कि व्यक्ति एक पोल पर चढ़कर झंडा फहराता दिख रहा है। इस फ्लैग पर कोई दूसरा झंडा नहीं था। वीडियो में वो व्यक्ति कोई झंडा हटाते हुए नहीं दिख रहा। तिरंगा लाल किले पर काफ़ी ऊंचाई पर लगा था और वो जस का तस लगा रहा। उस झंडे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी ये दावा जिसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने तिरंगे को हटाकर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया, ये दावा पूरी तरह से फर्जी निकला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।